सायाहपुर में पुलिस ने अलग अलग थानों से 10 पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए हैं। पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे दर्ज होने से नाराज जिले भर के मीडिया कर्मियों ने आज पैदल मार्च निकाला और मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों की मांग है कि मीडिया कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने वाले जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ जांच करके कार्रवाई की जाए। जी सर, जीवीआर फैक्ट्री मालिक घनश्याम अग्रवाल ने 2 टीवी चैनल के मान्यता प्राप्त पत्रकारों सहित 6 पत्रकारों पर रंगदारी मांगने का फर्जी मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि यूपी सरकार के एक मंत्री के इशारे पर पुलिस ने यह फर्जी मुकदमा दर्ज किया था। दरअसल पत्रकारों ने फैक्ट्री मालिक की गुंडई की खबर प्रसारित की थी। खबर चलाने पर फैक्ट्री मालिक पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिससे नाराज होकर पत्रकारों पर पुलिस और प्रशासन की मदद से फैक्ट्री मालिक ने मुकदमा दर्ज करवाया। इसके अलावा एक अन्य थाने में भी 3 पत्रकारों पर रंगदारी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। साथ ही एक पत्रकार को गैंगरेप के आरोप में झूठा फंसाया गया। पत्रकारों पर लगातार हो रहे मुकदमों से नाराज जिले भर के सभी पत्रकार यूनियन ने संयुक्त रूप से सभी पत्रकारों ने शहीद उद्यान से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया और यूपी सरकार के मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पत्रकारों का कहना है कि पुलिस और प्रशासन खबर दिखाने पर बदले की भावना से काम कर रहा है। खबर दिखाए जाने से नाराज फैक्ट्री मालिक ने पुलिस और प्रशासन से मिलकर पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज करा दिया। पत्रकारों का कहना है कि उन पर हो रहा उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर पत्रकारों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो वह एक बड़ा आंदोलन करने को विवश होंगे। फिलहाल पत्रकारों ने मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। साथ ही उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनके खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो वह बड़ा आंदोलन करेंगे। संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आज सवाल पूछने पर मुकदमे लिखकर हमें डराया जा रहा है। सुशांत शुक्ला और शिव कुमार ने सवाल ही तो पूछे थे, एक धन्ना सेठ से, एक पूंजीपति, सवाल ही तो पूछे थे जो जमीन पर कब्जा कर रहा था। सवाल पूछे, उसका नतीजा ये मिला कि उस पर मुकदमा लिख के हम सबको डराया जा रहा है कि अगर सवाल पूछे तो तुमको जेल भेज दिया जाएगा। एक और मामला था, अमरदीप रस्तोगी पत्रकार हमारे, उन पर हमला हुआ, आज तक चार्जशीट नहीं लगाई गई। तो पत्रकारों के साथ ये प्रशासन सौतेला व्यवहार कर रहा है। अन्य लोगों के मुकदमे लिखे जाते हैं, चार्जशीट लगती, सजा होती, लेकिन हम लोगों को तो मुकदमे भी नहीं लिखे जाते हैं, कोई कार्रवाई भी नहीं होती, उल्टे हम लोगों पर कार्रवाई होती है। इसलिए हम लोग अब आंदोलन, माननीय जरीफ मलिक आनंद के नेतृत्व में हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया। अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन में आगे भी जाएंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे, इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। पत्रकारों के उत्पीड़न के मामले शाहजहाँपुर जनपद के अंदर बढ़ रहे हैं। बंडा में 4-5 पत्रकारों पर बलात्कार तक का केस मतलब लगा दिया गया बिना जाँच के। तो एक धन्ना सेठ द्वारा वो किसानों की ज़मीन पे कब्जा कर रहा था, बंदूकें उसकी वीडियो वायरल हुई, वीडियो पास में है, ऑडियो पास में है, सारे प्रूफ पास में है। तो उस पे वो चला दी गई खबर, और जब वो खबर चलाई जी ने और इंडिया न्यूज़ ने, तो उस पे फर्जी मुकदमा लगा दिया गया। और जो धन्ना सेठ बंदूकों के दम पर ज़मीन किसानों की, कम से कम 150 किसान वहाँ इकट्ठा थे, इनके 150 लोग वहाँ मौजूद थे, किसान 4-5 थे बेचारे, और उसके बाद उन्हें जो है वो डरा धमका के वहाँ कब्जा कर लिया गया। उस मामले में पुलिस ने एफआईआर लगा दी, लेकिन इधर पुलिस ने एक प्रभारी मंत्री के दबाव में आकर जो पत्रकार इंडिया न्यूज़ की सुशांत शुक्ला, वो और शिव कुमार और 3 अन्य के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर दिया कि साहब हमसे रंगदारी मांग रहे थे, हमें ब्लैकमेल कर रहे थे, चूँकि वो खबर किसान की इन लोगों ने चलाई थी। इस पर साजिश के तहत प्रभारी मंत्री के दबाव में प्रशासनिक लेवल से बिना किसी जांच के मुकदमा दर्ज करा दिया गया, जो सरासर गलत है, और उसकी मान्यता रद्द कराई गई। मान्यता से का रद्द कराने का जो है वो नियम ये है कि पहले मान्यता समिति को लिखा जाएगा, और मान्यता समिति डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन को लिखेगी, और उसके बाद मान्यता रद्द की जा सकती है।
तो ये फर्जी मुकदमे इस तरह के हो रहे हैं, अगर कोई आवाज़ उठाता है तो फिर उससे कहा जाता है ब्लैकमेलिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इस सब के खिलाफ हम लोगों ने एक सारी यूनियंस को एकत्रित करके उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाकर महासंघ बनाया गया, और महासंघ के नेतृत्व में ये आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है। आज ये हमारी पहली शुरुआत है। इसके बाद अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई, हमारी मांग मुख्य ये है कि धन्ना सेठ जो ने जो मुकदमा साजिश किया है पत्रकारों पर, उसे वो फर्जी मुकदमा उसे ख़त्म किया जाए और मान्यता उसकी वापस ली जाए। और बाकी फेसबुक पर एक गिरोह है जो असभ्यता के अश्लील शब्दों का प्रयोग करके जो पत्रकार इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी माँ बेटियों के लिए अभद्रता बरतता है, अश्लील शब्दों का प्रयोग करता है, असभ्यता बरतता है। व्यक्तिगत आपके विचार नहीं मिलते हैं तो आप एक दूसरे से कह सकते हैं, लेकिन उसके परिजनों के ऊपर उंगली उठाना, उसकी माँ के ऊपर, उसकी बेटी के ऊपर, उसकी बहू के ऊपर, ये अनुचित नहीं है और ये बहुत अपमानजनक है, ये बहुत खेदजनक है। ऐसे फर्जी गिरोह जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, हम उनका मुखर विरोध कर रहे हैं। और जिला प्रशासन से ये भी हमारी प्रमुख मांग है कि उस गैंग की तलाश की जाए और उन पर ये मुकदमा दर्ज किया जाए और उनका रोक लगाई जाए। क्या मानते हैं जो धन्ना सेठ है, क्या वो जिला प्रशासन से मिलकर क्या पत्रकारों की कलम को रोकना चाहते हैं क्या वो? हाँ बिल्कुल रोकना चाहते हैं, बिल्कुल रोकना चाहते हैं, क्यों नहीं रोकना चाहते हैं भाई? उनकी एफ आर लगा रहा है प्रशासन, उनकी एफ आर लग रही है और हम पर जो है, हम पर मुकदमा दर्ज है, हमारी बिना जाँच के हमारी मान्यता रद्द की जा रही है, हम पर मुकदमा लगाया जा रहा है। तो आज एक मामला थोड़ी यार, सिद्दीकी का पिछला मामला है और ना जाने कितने मामले ऐसे हैं जनपद के अंदर पत्रकार मारे गए, हम लोग कुछ नहीं शांत बैठ गए। लेकिन एक पत्रकार आज से 20 साल पहले साधुराम गंगवार शायद गायब हुआ, जिसका आज तक पता ही नहीं लगा, उसकी लाश तक नहीं मिली। क्या तो, जिला प्रशासन ने किया, किस तरीके की मंशा है पत्रकारों की? अब ये जिला प्रशासन की मंशा तो जिला प्रशासन से आप पूछिए, वो जिला प्रशासन बताएगा भाई कि उसकी क्या मंशा है। बहरहाल दबाव में सब काम हो रहा है, ये है।